गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो बस अभी अनवित स्कूल गया है और अभी बस मैं शावर लूंगी और शावर लेके पूजा करूंगी, फिर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। टाइम 8:30 हो रहा है तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग का भी शुरू करती हूँ और जैसा आज का दिन रहेगा आई विल शेयर विद यू। तो चलिए मैं फटाक से शावर लेके आती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है और आज ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बनाने वाली हूँ। अनवित को आलू का पराठा आज लेके नहीं जाना था, मैंने एक्चुअली तैयारी कर दी थी सुबह ही और मुझे लगा कि आलू का पराठा शौक से खा लेता, लेके चला जाएगा, लेकिन आज जिद पे अड़ा था। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के उसको, मतलब उसके थोड़े शौक स्वाद पूरे करके कि चॉकलेट से ले तब लेके गया उसको, उपमा लेके जाना था आज, लेकिन आज मैंने पहले प्रिपरेशन कर दी, उससे पहले पूछा नहीं तो मुझे लगा लेके चला जाएगा। तो ये है, तो अभी ना ग्रीन चिली कट करूंगी क्योंकि उसका तो प्लेन ही बनाया था ना, इसलिए। आलू का पराठा एक ऐसी चीज थी जो मैं मतलब खा लेती थी शुरू में, और क्योंकि शुरू में मुझे हर चीज से चिढ़ हो गई थी, एक एक चीज से, मतलब कुछ भी नहीं खाया जाता था, लेकिन जो आलू का पराठा या फिर फ्राइड आलू है वो मैं खा लेती थी क्योंकि हर चीज में से स्मेल आना, हर चीज से चिढ़ लगना, इतना मेरा शुरू के टाइम तो मेरा मतलब बहुत ज्यादा टफ रहा, एकदम रहता था, फुल रहता था और मतलब भूख नहीं लगती थी, बहुत अजीब पीरियड था वो। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि विंटर्स फेब्रवरी का टाइम था और उसमें सब गाजर वगैरह, लाल गाजर वगैरह सब कुछ थी, सब चीज से मुझे चिढ़ हो गई थी। और क्या एकदम अचानक से मन करने लगा कि चलो मैं पतला पतला लौकी खा लूं या तोरी खा लूं, मुझे वो मतलब थोड़ा सा बेटर लगने लगा था। लेकिन अब ये है कि दाल से तो मुझे अभी भी चिढ़ है, जो ये अरहर वाली दाल होती है ना उसमें स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो मैं वो नहीं खाती हूँ। और बाकी ये है कि अभी मतलब काफी सेटल डाउन हो गया, पहले तो राजमा रायता वगैरह कुछ भी नहीं मन करता था खाने का, बस जबरदस्ती होता था, लेकिन अभी बेटर हो गया है। ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं करूँगी 5 to 10 minutes रेस्ट, क्योंकि सुबह से उठती हूँ ना तो इस समय फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और मेरी जो लिपस्टिक है आज कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रही है और कैमरे में बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने आपको बताया ना कि घर पे मेरा मन करता है ना ऐसे, मतलब मैं ऐसे बाहर लगा के नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरा मन करता है मैं घर पे ऐसे लगा के बैठ जाती हूँ, और देखो कितना अजीब अजीब से लग रहा है। सौरभ मुझे बोल रहा है कि ये क्या कर रखा है, लेकिन अपनी खुशी के लिए भी कुछ काम करने चाहिए। तो ये है, और कल वैक्सीनेशन हुआ था ना, पूरी रात मैं सो नहीं पाई क्योंकि अभी वो स्ट्रेट लेटना तो रिकमेंडेड नहीं होता ना, मतलब साइडवेज सोना पड़ता और एक ही साइड सोना था, क्योंकि इधर सो रही थी तो वो फिर उई उई और इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था बहुत ज़्यादा, और यहाँ से ना पूरा ये हार्ड हार्ड हो रहा है, कुछ तो मानसून वाला सीज़न भी है ना तो इसमें भी थोड़ा कड़ाहट रहती है। तो ये था, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं ना आपको अपने कुछ परचेजेस दिखाती हूँ अमेज़ोन के जो मैंने लिए हैं। तो अभी मैं ज़रा 10 minutes रेस्ट कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ मेरी अमेज़ोन की शॉपिंग। तो मैंने ना इस बार की शॉपिंग में सभी के सभी ना ज्वेलरी पीसेज लिए हैं, और सभी के सभी ना ब्यूटीफुल हैं, एलिगेंट हैं, वेस्टर्न और एथनिक दोनों के साथ ही पेयर किए जा सकते हैं। अमेज़ोन पे ना अभी 22nd और 23rd को सेल आने वाली है, और वहाँ से आप मतलब अच्छे प्राइस में ये सब चीज़ें बाय कर सकते हैं, और प्राइम मेंबर्स के लिए तो सेल वैसे भी अर्ली शुरू हो जाती है, तो आप एक बार जाके मतलब ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए अभी देर नहीं करते हैं, तो वन बाय वन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला नेकलेस, और ये ना शाइन दिवा की तरफ से है, लोटस में है, मतलब लोटस पैटर्न है इसका,
ये वाला जो नेकलेस है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, लेकिन मैं ना इसको विश लिस्ट में डाल के रखा हुआ था, तो इस बार मुझे ये अवेलेबल हो गया और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये ऐसा है कि आप इसको वेस्टर्न के साथ और ऐसे मतलब एथनिक के साथ भी आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके रिव्यू भी अच्छे थे। तो ये देखिए कितना प्यारा नेकलेस है, ये बहुत प्यारा लगा मुझे ये वाला नेकलेस। इसके साथ जो इयररिंग्स मिले हैं ना वो भी मतलब ये देखिए कितने प्यारे हैं। और सेकंड में आपको दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी सी ये मतलब चेन है। ये ना मुझे इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं ना वो मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट सी लगी और मतलब एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है। तो ये देखिए मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी वाली चेन ना, देखो पूरा यहाँ पे इसमें हैंगिंग ये लगे हुए हैं। कलर भी इसका अच्छा है, इसमें ना और भी कलर्स हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप जाके मतलब चेक कर लीजिएगा। इसमें आई थिंक ब्लैक भी है, और भी कलर्स हैं, तो आप जाके मतलब चेक करिएगा। और यहाँ पे मतलब इनफ ये है लूप्स, तो आपको अगर छोटा बड़ा करना है तो जैसे मुझे तो चेन यहाँ पे ऐसे पसंद है तो वो स्मार्ट लगती है, तो इस टाइप से पहनने के लिए मैंने ली है ये। ऐसी डेलिकेट डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका। और नेक्स्ट मैंने लिया है प्रियासी की तरफ से ये वाले इयररिंग्स, और जिनका जरकन ना बहुत ज़्यादा प्यारा है और ये ना मुझे मतलब देखते ही पसंद आए। प्रियासी के मैं बहुत सारे ज्वेलरी ले चुकी हूँ, जरकन में भी ले चुकी हूँ, उनकी मतलब जो ज्वेलरी होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देखें कितने प्यारे हैं ये वाले इयररिंग ना, उनका जो जरकन है वो भी बहुत अच्छा है, और ये इस टाइप के इयररिंग्स हैं कि आप इनको वेस्टर्न और इंडियन दोनों के साथ आराम से मतलब पेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ना रोज गोल्ड में है ये वाले, तो रोज गोल्ड में जो ज्वेलरी होती है वो मतलब अच्छी तो लगती ही है ना। यहाँ पे ऐसे जरकन लगा हुआ है चारों तरफ रोज गोल्ड में, यहाँ पे ये वाला काम है। और नेक्स्ट मैंने ना ये वोयला का नेकलेस लिया है। मैं ना वोयला की ज्वेलरी की बिग फैन हूँ, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उनके जो डिजाइन होते हैं पैटर्न होते हैं ना वो एकदम अलग होते हैं। अगर आप जैसे सर्च भी करेंगे तो जैसे बहुत सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आएंगी, अगर वहां पर कभी वोयला आएगा तो वो एकदम ना मतलब अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि उनके डिजाइन पैटर्न ना एकदम अलग होते हैं। यहाँ पे वो ये कलश टाइप का है और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे ये पोम पोम लगे हुए हैं, तो ये आराम से साड़ी के साथ जो मतलब कॉटन साड़ी होती है ना हैंडलूम साड़ीज उनके साथ ये बहुत स्मार्ट लगेगा। इनफैक्ट जैसे व्हाइट कुर्ती वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और अभी जैसे राखी आ रही है, राखी पे अगर आपको कुछ ऐसे स्कर्ट वगैरह पहनना है तो उसके साथ ना मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मुझे ओवरऑल ना ये मतलब बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, इसमें जो मीनाकारी वर्क है सिल्वर के साथ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा मतलब इसमें ये जो डिज़ाइन है ना वो है, देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ज़िनामे ब्रांड की तरफ से मोस्ट ब्यूटीफुल नेकलेस, जो कि अमेरिकन वही जो जर्कन होता है ना उसमें है, वो बहुत प्यारा जर्कन है। थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि क्वालिटी है ना, तो इसलिए मतलब अच्छी क्वालिटी है तो एक्सपेंसिव रहेगा ही। ये देखिए कितना प्यारा ये वाला नेकलेस है, बहुत सुंदर है ये वाला नेकलेस ना, बहुत बहुत सुंदर है। मतलब प्राइस के हिसाब से तो है ये वाला नेकलेस, क्योंकि इसमें आई थिंक दो कलर और भी हैं, इसमें लाइट ब्लू भी था, बट लाइट ब्लू ना मेरे पास था, मेरे पास ऐसे पिंक वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये वाला लेती हूँ। और ये वाला ऐसा नेकलेस आप वेस्टर्न के साथ इंडियन के साथ किसी भी आउटफिट के साथ पहनेंगे ना तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए इसके जो जरकन है वो मतलब कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखिए कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारा है ये वाला। और इसके जरकन भी ना बहुत बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे ऐसे ये चेन दी हुई है, और इसको रखने के लिए ना आपको मतलब एक मैसेज आ गया था, मैं वो चेक करने लग गई थी, इम्पोर्टेंट मैसेज था।
तो ये ना बेसिकली यहाँ पे ऐसे चेन दी हुई है, और इसको ना आपको मतलब कॉटन के अंदर या फिर जो ज्वेलरी बैग्स आते हैं ना उसके अंदर रखना पड़ेगा, तो एकदम सेफ रहेगा। तो ये भी ना रोज गोल्ड में ही है, और इसके साथ ये वाले जो इयररिंग्स है ना वो मुझे मिले हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब रियली ये जो है ना वो वर्थ है। अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाएंगे ना, जो ज्वेलरी स्टोर होते हैं उस पर काफी एक्सपेंसिव मिलने वाला है, और ऐसे नाइट पार्टीज में नेट की साड़ी के साथ तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये है, और बेसिकली सभी के सभी जो ज्वेलरी है ना वो बहुत अच्छी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आता है ना, तो इन सब के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इन एनी केस अगर आपको इनमें से कुछ भी लेना है और आप जाके एक बार जरूर चेक करिएगा। लंच में मैं बनाने वाली हूँ ये उड़द चने की दाल है। इसको ना धुली हुई उड़द होती है, ये देखें जो डोसे में भी डालते हैं ना, स्प्लिट दाल होती है, और जो लोग बेसिकली यूपी साइड से हैं उनको आइडिया होगा। तो ये उड़द और चने की दाल ऐसे मिला के मतलब हमारे यहाँ पे बनाई जाती है, लेकिन बहुत लोग ना इसको बनाते नहीं क्योंकि बोलते हैं कि गैस बन जाती है। तो जैसे जब मैं यहाँ पे आई थी ना शादी करके, तो मम्मी बिल्कुल ये दाल बनाती नहीं थी क्योंकि उनको ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनती है, और हमारे यहाँ पे दाल काफ़ी बनती थी क्योंकि उधर यूपी साइड मैंने देखा है मेरठ से आगे ना, जैसे मेरठ और देवबंद आप सहारनपुर साइड जाएंगे ना, तो ये दाल ना मतलब बनती ही बनती है। तो जिन लोगों को अगर गैस की प्रॉब्लम है ना, तो वो मैं बताती हूँ उसका क्या इलाज है, क्योंकि जब मैंने दाल बनाई ना वैसे, तो अब हमारे यहाँ पे ना ये हफ्ते में एक बार बनती ही बनती है क्योंकि शायद मम्मी को गैस वाली प्रॉब्लम होती नहीं होगी, तो हफ्ते में एक बार तो ये दाल बनती ही बनती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाने वाली हूँ मैं। और तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुकर भी गर्म हो गया है, और कुकर गर्म कहाँ से हो गया, मैंने गैस तो ऑन की नहीं है, गैस ऑन कर देती हूँ, कुकर गर्म हो गया है। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, यहाँ पे मैंने अनियन और चिली ऐड कर दिया है, ग्रीन चिली, और इसमें ऐड करूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये वाली दाल ना जीरा में ही बनाएगा, राई ऐड मत करिएगा क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है हर चीज में राई ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली नॉर्थ इंडियन दाल है ये इसलिए। तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया, और जब अनियन अच्छे से भून जाएगा ना तब मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड करूंगी। तो बेसिकली ना ये तो मैं मतलब अनियन और गार्लिक वाली बना रही हूँ, लेकिन मेरे जो घर पे मम्मी है ना वो ये वाली दाल ना बिल्कुल टमाटर के छोंक वाली बनाती है, उसमें अनियन गार्लिक नहीं जाता क्योंकि आपको पता है कि मैं जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उसके ऊपर फिर वो जो तड़का लगाते हैं ना लाल घी वाला, वो वैसे ही मतलब अच्छी लगती है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको चलो अनियन गार्लिक वाला बनाती हूँ क्योंकि ऐसे भी अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं फिर ऐसे बना रही हूँ। और वैसी दाल मैंने एक बार बहुत पहले आई थिंक ग्लासगो में शेयर की थी आपके साथ, आज ये अनियन गार्लिक वाली शेयर कर रही हूँ। अनियन अच्छे से मेरा भुन गया है, अब मैं ना इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड करूंगी। तो इसमें मैं हल्दी, धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ और अनमित के लिए फिर ज़्यादा हो जाएगा। और ये है टोमेटो, और इसमें मैंने ऐड की है एक ग्रीन चिली, और इसमें मैंने ऐड की है अदरक, तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। टमाटर अच्छे से मेरा यहाँ पे भुन गया है, यहाँ पे मैं दाल ऐड करूंगी, और इस दाल में ना पानी बहुत ज्यादा नहीं जाता क्योंकि ये दाल ना पतली अच्छी नहीं लगती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दाल में आपको क्या डालना है। इस दाल में ना आपको डालनी है मेथी, तो मेथी ना इस दाल की जो गैस होती है ना वो बेसिकली मार देती है, कि मतलब बोलते हैं कि
मतलब देसी भाषा में बाय करती है ना ये वाली दाल, तो अगर आप मेथी डाल देंगे ना तो वो नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और फिर इसमें बिसेल लगाऊंगी। और ना इस दाल के साथ जो राइस बनते हैं ना वो बनते हैं मतलब पीले चावल। तो बेसिकली हमारा एक तरीके से मंडे की दाल भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो शादी का मंडा होता है उसमें मतलब अदर खाना तो बनता ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना उसमें ये दाल भले बनता है खट्टे मीठे और बेसिकली पीले चावल, तो ऐसे होता है। और मतलब ट्रेडिशनली हमारे यहाँ का मतलब ये है जो मतलब मंडे का रहता है ना, बाकी मतलब पक्का खाना वगैरह तो बनता ही है। तो इसमें मैं मतलब पीले चावल बनाऊंगी, तो इसमें चावल में नमक ऐड किया, हल्दी ऐड किया, बहुत थोड़ा सा मैं जीरा ऐड करूंगी, बस इतना ही। और इसमें हम ऐड करेंगे लौंग, क्योंकि ये जो पीले चावल है ना इसमें लौंग जरूर पड़ती है, उससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा एनहांस होता है। और इस दाल के साथ जो सब्जी अच्छी लगती है ना वो या तो फ्राइड आलू या फिर भिंडी की सब्जी, ये जो दो सब्जियां है ना इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन जाती हैं। मुझे लगा ऑयल है कढ़ाई में, पानी था, बातों के चक्कर में मैंने ऑयल डाल दिया, चढ़ चढ़ करेगा। पूरी किचन ना गंदी हो गई थी, इतनी तेज तेज ये उछल रहा था, थोड़ा यहाँ से सब क्लीन किया। मक्खी का तुम्हें मक्खी आ रहा है, इधर आओ। देखो कर आ जाएगा, तुम्हारा मक्खी आ रही है। यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो गई है, इधर हमारे फ्राइड पोटैटोज रेडी हैं और यहाँ पे हमारे पीले चावल रेडी हैं। तो बस मैं अभी रोटी सेकना शुरू करती हूँ। तो ये जो पीले चावल है ना इनकी खुशबू ही अलग आती है, जैसे ही मतलब आप भिगोना खोलोगे ना उसमें जो लौंग की खुशबू है ना वो एकदम अलग आती है। और ये थाली मतलब सेटिस्फाइड थाली है ये। लंच हो गया है और लंच के बाद ना मैं फ्यू स्टेप लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ना मुझसे वो लेटा नहीं जाता, तो ऐसे घर पे ही मैं अपने जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और लंच के बाद वो ऐसी आदत लगी है थोड़ा सा फ्यू स्टेप्स लेने की, ये है। और चलते चलते आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि बेबी शावर का क्या प्लान है और आप करेंगे क्या। यस वी डू सेलिब्रेट अवर बेबी शावर, क्योंकि अनवित के टाइम पे भी किया था और बहुत अच्छे से किया था, 9 मंथ में किया था अनवित के टाइम पे ना, क्योंकि मैं मम्मी पापा का वेट कर रही थी यहाँ से कि वो लोग आएंगे तो तभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार भी मैं कुछ स्पेशल लोगों का ही वेट कर रही थी, तो कि वो आएंगे तो फिर तभी सेलिब्रेट करेंगे, वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में ही पता चलेगा कि कौन आने वाला है और क्या होगा। लेकिन हाँ ये है
कि बेबी शावर का प्लान है और वो सब की प्लानिंग मैंने लिटिल बाय लिटिल करके शुरू भी कर दी है ऑलमोस्ट, क्योंकि एक साथ फिर सब नहीं होता ना, ये है और ऐसा रहेगा। तो चलिए मैंने ये बता दिया और आज का दिन ऐसे रहा और लंच रियली बहुत टेस्टी था। तो अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे ना तो आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी और थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप लोगों की जो भी ब्लेसिंग्स आती हैं और जो मिल रही हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिएगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।